हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में सेब का अहम योगदान है। ऊपरी क्षेत्र के सेब बागवान बगीचों से अच्छी कमाई कर रोजी चला रहे हैं, लेकिन बागवान सेब के पौधों में निश्चित अवधि पूर्ण होने के बाद जड़ व तना सड़न जैसी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए थे। ऐसे में सेब के पौधे सूख कर मर जाते हैं और बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन शिमला जिला के कुमारसेन उपमंडल के ओड़ी निवासी प्रगतिशील सेब बागवान सुरेंद्र जरेट ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। कुछ वर्ष पूर्व सुरेंद्र ने तना सड़न रोग से ग्रसित अपने पुराने सेब बाग में एक आजमाइश आरंभ की। उन्होंने पौधों के सड़कर सूख रहे तनों को खुरच के साफ किया और उसके बाद सड़े हुए खोखले स्थान पर सीमेंट रेत व बजरी मिलाकर कंक्रीट एवं प्लास्टर किया। इससे सभी पौधों में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया और फिर से पौधे स्वस्थ हुए। सेब के हर पौधे से भी 10 से 12 पेटी सेब ले रहे हैं। कई अन्य बागवानों ने भी सुरेंद्र के बगीचे का दौरा कर उनके द्वारा अपनाए गए तरीकों का प्रयोग आरंभ किया है और उन्हें भी सफलता मिली है। ऐसे में जिनके सेब बाग पुराने हो चुके हैं और पौधों को काटने की सोच रहे हैं, उन्हें एक नई दिशा मिली है। प्रगतिशील सेब बागवान सुरेंद्र जरेट ने बताया कि उनके पुराने सेब बगीचा तना सड़न से नष्ट हो चुका था, लेकिन उन्होंने एक तरकीब सोची और पौधे के सड़न वाले स्थान को खुरच कर साफ किया, सीमेंट बजरी पर रेत मिलाकर कंक्रीट एवं प्लास्टर किया, जिसके बाद पौधों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। उन पौधों से 10 से 12 पेटी प्रति पौधा सेब फल ले रहे हैं। पेड़ सड़े हुए ना, तो वो उसमें डाल के इसको छिलके उतार के ना सारा पहले सड़ा हुआ निकाल देना, सड़ा हुआ निकालने के बाद फिर इसमें सीमेंट भर दे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। पूरा पेड़ दोबारा से दोबारा रिवाइव हो जाता है, पेड़ बहुत अच्छा रिजल्ट है। बागवान उमा दत्त ने बताया कि किसानों को नई तरकीब मिली है। ओड़ी के बागवान ने सेब के तना सड़ रहे पुराने पौधों में सीमेंट कंक्रीट कर प्लास्टर किया और पौधे फिर से ताजा हो रहे हैं। उन्होंने दूसरे बागवानों से जिनके बगीचे पुराने हो चुके हैं उन्हें ये तरकीब अपनाने की सलाह दी। हाँ, एक किसानों को एक नई टेक्निक विकसित हुई है जो शायद लोगों को अभी तक ज्ञान नहीं है। एक किसान है बागवान सुरेंद्र नाम का, जो ओडी के निवासी है। उन्होंने एक पुराना किसी से बगीचा खरीदा है और उसमें पेड़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, तो उन्होंने जो पुराने पेड़ बिल्कुल सड़े थे, जो पेड़ सड़ रहे थे, उन्होंने उसके खुर्च कर उसके अंदर तक निकाल कर उसमें रोड़ी और सीमेंट का मिश्रण करके उन्होंने उसमें एक पक्का लिपाई करके और पक्का बना दिया। और अब जो है उन्हीं पेड़ों से वो सेब ले रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि जो बागवान लोग हैं उनकी प्रेरणा से अपने बाग जो पुराने बगीचे हो लिए हैं उनको दोबारा से जीवित रख सकते हैं, यही हमारा। बागवान रोशन चौधरी ने बताया कि सुरेंद्र ने पुराने बगीचे में एक्सपेरिमेंट किया है जो कि सफल हुआ है। जिन बागवानों के सेब बाग पुराने हो चुके हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र द्वारा अपनाई गई तकनीक से भी पूरे सेब बाग को स्वस्थ कर सकते हैं। रोशन चौधरी बागवान हूँ मैं, एक सुरेंद्र ओडी निवासी। उन्होंने एक पुराने बगीचे में एक एक्सपेरिमेंट किया है, जो पुराने पौधे खत्म हो रहे थे धीरे धीरे, उनकी छाल निकाल कर उस पर सीमेंट की कंक्रीटिंग की। उसने रोड़ी सीमेंट और रेत के साथ उसको प्रॉपरली सीमेंटिंग की और उसका देखने में उनका ये अनुभव आया कि वो पौधे पुनर्जीवित हो गया है और पूरी फसल देने लग गया जैसा था वो पहले, उसी तरह से उसी लाभ में। तो हमको भी सबको उनसे प्रेरणा लेकर, जिनके पौधे पुराने हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि अभी अब काटने पड़ेंगे या मरने के कगार पर है, तो उनको पुनर्जीवित, इस तकनीक से हम पुनर्जीवित कर सकते हैं।